बड़ी खबर लखनऊ से है। आरएमएल अस्पताल में पकड़ा गया फर्जी डॉक्टर। आपको बता दें कि आरएमएल अस्पताल में फर्जी डॉक्टर पकड़ा गया। इससे पहले केजीएमयू में भी पकड़ा जा चुका है फर्जी डॉक्टर। लोहिया अस्पताल के इमरजेंसी में घूम रहा था फर्जी डॉक्टर। आपको बता दें कि लोहिया अस्पताल के इमरजेंसी डिपार्टमेंट में फर्जी डॉक्टर घूम रहा था, मरीजों को अच्छे इलाज के नाम पर प्राइवेट अस्पतालों में भेजता था। लोहिया में के सुरक्षा गार्डों को डॉक्टर पर हुआ शक। बता दें कि सुरक्षा गार्डों को डॉक्टर पर शक हुआ। अस्पताल प्रशासन की पड़ताल में डॉक्टर पाया गया फर्जी। बता दें जब प्रशासन की पड़ताल हुई अस्पताल के, तो डॉक्टर फर्जी पाया गया। फर्जी डॉक्टर को विभूति खंड पुलिस ने किया गया हवाले। बता दें कि विभूति खंड पुलिस के हवाले किया गया है फर्जी डॉक्टर को। आरएमएल अस्पताल में पकड़ा गया है फर्जी डॉक्टर। इससे पहले केजीएमयू में भी पकड़ा जा चुका है फर्जी डॉक्टर। लोहिया अस्पताल के इमरजेंसी में घूम रहा था ये फर्जी डॉक्टर। आपको बता दें कि लोहिया अस्पताल के इमरजेंसी डिपार्टमेंट में ये फर्जी डॉक्टर घूम रहा था, मरीजों को अच्छे इलाज के लिए प्राइवेट अस्पतालों में भेजता था। लोहिया के सुरक्षा गार्डों को डॉक्टर पर शक हुआ। अस्पताल प्रशासन की पड़ताल में डॉक्टर पाया गया फर्जी। बता दें कि अस्पताल प्रशासन की जब पड़ताल हुई तो डॉक्टर फर्जी पाया गया। फर्जी डॉक्टर को विभूति खंड पुलिस के किया गया हवाले। आरएमएल अस्पताल में पकड़ा गया फर्जी डॉक्टर। आपको बता दें कि आरएमएल अस्पताल में फर्जी डॉक्टर पकड़ा गया। इससे पहले केजीएमयू में भी पकड़ा जा चुका है ये फर्जी डॉक्टर। ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ कलीम जुड़ चुके हैं। कलीम, क्या कुछ जानकारी है कि लगातार अस्पतालों में फर्जी डॉक्टर पकड़े जा रहे हैं, क्या कुछ वजह है इसके पीछे की? देखिए स्वप्निल जी, जिस तरीके से बात की जाए, लोहिया हॉस्पिटल में एक फर्जी डॉक्टर पकड़ा गया है। फिलहाल उसको जो पुलिस के हवाले कर दिया गया, लेकिन अगर बात की जाए कि जिस तरीके से जो फर्जी डॉक्टर लगातार घूमते नजर आ रहे हैं, क्योंकि इससे पहले अगर केजीएमयू की बात की जाए तो केजीएमयू में भी एक डॉक्टर के भेष में लगातार घूम रहा था। उसको सुरक्षा कर्मियों ने देखा तो जब शक हुआ तब उसको हिरासत में लेकर के पुलिस के हवाले किया गया था। फिलहाल अब जिस तरीके से दूसरा ये मामला सामने आया, क्योंकि दूसरा जो मामला है वो लोहिया हॉस्पिटल का है, जहाँ इमरजेंसी के आसपास एक डॉक्टर के भेष में घूमता हुआ एक युवक नजर आ रहा था। फिलहाल वो युवक किन हालातों में था, आखिर क्या वो डॉक्टर था या फिर वो वहाँ पर किस तरीके से पहुंचा, क्या उसकी साजिश थी, इन सभी मामलों को लेकर के फिलहाल पुलिस अभी जांच पड़ताल कर रही है। कैसे शक हुआ कि ये डॉक्टर फर्जी है? जिस तरीके से बात की जाए, वो लोहिया हॉस्पिटल में जो इमरजेंसी वार्ड के आसपास घूम रहा था, उसके घूमने की जो एक्टिविटी थी वो संदिग्ध थी। और उस हॉस्पिटल में ना तो वो डॉक्टर था, ना ही वहाँ पर किसी स्टाफ को वो जान रहा था, क्योंकि जहाँ पर वो घूम रहा था वहाँ पर लगातार जो सुरक्षा कर्मी है वो तैनात रहते हैं। वो सुरक्षा कर्मी हर डॉक्टर को जानते और पहचानते हैं, लेकिन जब उस पर शक हुआ तभी जो हॉस्टल के जिम्मेदार है उनको सूचना देने के साथ ही उस युवक को पकड़ा गया। और कलीम, क्या कुछ वजह है कि ये लगातार फर्जी डॉक्टर मिल रहे हैं और प्रशासन कोई भी कार्रवाई नहीं कर रहा है, क्या कुछ ये सुरक्षा में अचूक है क्या? देखिए अभी इस मामले को लेकर के साफ तौर से ये जांच की बात है, क्योंकि जांच के दायरे में अब ये सभी मामले आ रहे हैं, क्योंकि आखिर जो डॉक्टर दो फर्जी पकड़े जा चुके हैं। अभी सभी मामलों को लेकर के किसी भी नतीजे पर पुलिस नहीं पहुंच पाई कि आखिर इनके वहाँ पे घूमने की वजह क्या थी। फिलहाल ये जाँच के बाद ही स्पष्ट हो पाएगा कि आखिर इनके जो घूमने का जो मामला है ये आखिर क्या है, और जो ये लोग यहाँ पर फर्जी तरीके से मिल रहे हैं ये लोग कौन है। ज्यादा जानकारी के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। खबर बुलंदशहर से है। बच्ची के साथ दरिंदगी करने वाला गिरफ्तार हो गया। बता दें बड़ी खबर बुलंदशहर से है, पुलिस ने मुठभेड़ के दौरान दरिंदे को गिरफ्तार कर लिया है। बच्ची का अपहरण कर रेप के बाद उसकी हत्या कर दी थी। आपको बता दें कि पहले बच्ची का रेप किया, फिर उसके बाद अपहरण 6 दिसंबर को बच्ची के रेप के बाद कर दी थी हत्या। बता दें कि 6 दिसंबर का यह मामला है, जब बच्ची के साथ रेप करने के बाद उसकी हत्या कर दी थी। शव को जंगली जानवरों ने बना लिया था अपना निवाला। आरोपी दरिंदे का अस्पताल में चल रहा है उपचार। आपको बता दें कि आरोपी दरिंदे का अस्पताल में इलाज चल रहा है। खानपुर के ईशनपुर रोड पर हुई पुलिस की मुठभेड़। आपको बता दें कि पुलिस की मुठभेड़ हुई है आरोपी से। बच्ची के साथ दरिंदगी करने वाला गिरफ्तार हो गया। पुलिस ने मुठभेड़ के दौरान दरिंदे को गिरफ्तार कर लिया है। बच्ची का अपहरण कर रेप के बाद कर दी थी हत्या।
6 दिसंबर को बच्ची की रेप के बाद कर दी गई थी हत्या। आपको बता दें कि 6 दिसंबर को बच्ची की रेप के बाद हत्या कर दी गई थी। ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ विशाल जुड़ चुके हैं। विशाल, लगातार ऐसे मामले बढ़ते जा रहे हैं कि बच्चियों के साथ रेप हो रहा है, क्या प्रशासन इसके पीछे सक्रिय नहीं है, क्या फिर इसे ध्यान से देखा नहीं जा रहा है इन सब मामलों को? मैं आपको बता दूं, जनपद पुलिस स्टेशन खानपुर सिंह का मामला है जहाँ एक मासूम को कर लिया जाता है, उसके बाद उसका रेप किया जाता है। 55 वर्ष का व्यक्ति है जो सतीश बताया गया, उसको मुठभेड़ के दौरान उसके पैर में गोली लगी और उसको घायल हो गया, उसको सीएससी अस्पताल में उसको भर्ती किया चल रहा है, जिसकी उसके खिलाफ पहले भी कई ऐसे अपराध मुकदमे है जो गिरफ्तारी हुई है और केस किन किन के नाम दर्ज हुआ है? मैं आपको बता दूं, जनपद बुलेंद में 6 दिसंबर का मामला था जो रेप के बाद कत्ल कर दिया था। बाद रात को जो 55 वर्ष के व्यक्ति है उसके कई अपराध थे और उसको देखते हुए अपने टूबल पर छोड़ा था। पुलिस ने उसको जी घेराबंदी करने के बाद उसमें पुलिस पर फायरिंग की गई थी, उसको जॉय फायरिंग में। ज्यादा जानकारी के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। बड़ी खबर लखनऊ से है। दिल्ली में संसद की सुरक्षा में चूक का मामला। बता दें कि दिल्ली में संसद की सुरक्षा का चूक का मामला, यूपी विधानसभा की सुरक्षा बढ़ाई गई है। आपको बता दें विधानसभा के सामने पुलिसकर्मी तैनात किए गए हैं। आपको बता दें कि विधानसभा के सामने पुलिसकर्मी तैनात किए गए हैं। सुरक्षा के मद्देनजर संदिग्ध लोगों पर कड़ी नजर बनाई रखी। दिल्ली में संसद की सुरक्षा में चूक के मामले के बाद अब इस बार विधानसभा में भी सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। यूपी विधानसभा की सुरक्षा बढ़ा दी गई है। विधानसभा के सामने पुलिसकर्मी तैनात किए गए हैं। सुरक्षा के मद्देनजर संदिग्ध लोगों पर कड़ी नजर बनाए रखी गई है। दिल्ली में संसद की सुरक्षा में चूक का मामले के बाद विधानसभा की सुरक्षा भी बढ़ा दी गई है। यूपी के विधानसभा की सुरक्षा लगातार बढ़ा दी गई है। ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ कलीम जुड़ चुके हैं। कलीम, क्या कुछ सुरक्षा के इंतजाम देखने को मिल रहे हैं विधानसभा के सामने? देखिए स्वप्निल जी, जिस तरीके से कल की बात की जाए तो कल जिस तरीके से दिल्ली में संसद में सुरक्षा में चूक का जो मामला सामने आया था, संगमारी हुई थी, उसके बाद से यूपी विधानसभा की बात की जाए तो यूपी विधानसभा की सुरक्षा बढ़ा दी गई है। और यूपी विधानसभा की सुरक्षा बढ़ाने की बात की जाए, पहले जिस तरीके से एक कम संख्या में पुलिसकर्मी तैनात किए जाते थे, लेकिन अगर आज की संख्या की अगर बात की जाए, पीएसी के साथ साथ फायर विभाग की टीम भी बाकायदा विधानसभा के सामने खड़ी हुई है और बैरिकेड लगाकर हर संदिग्ध पर निगाह बनाए हुए है कि किसी तरह की कोई भी संदिग्ध गतिविधि दिखती है तो उसको हिरासत में लेकर उससे पूछताछ भी की जाएगी। और क्या क्या इंतजाम किए गए हैं कलीम? देखिए सुरक्षा को लेकर के जिस तरीके से पुलिस फोर्स तैनात की गई, पीएसी चारों तरफ घूम रही है, लगातार मॉनिटरिंग की जा रही है, पेट्रोलिंग की जा रही है। पेट्रोलिंग करने के साथ साथ जो गाड़ियां हैं वो पुलिस की वो भी यहां पर खड़ी हुई, चाहे महिला पुलिसकर्मियों की बात की जाए या फिर पुलिसकर्मियों की बात की जाए, सभी यहां पर पूरी तरीके से तैनात है। और जो समय समय पर जो अधिकारी है वो भी इसकी मॉनिटरिंग कर रहे हैं और लगातार जायजा भी लेते नजर आ रहे हैं। लेकिन जिस तरीके से विधानसभा चूक की अगर बात की जाए, विधानसभा की सतर्कता की बात की जाए, उससे पूरी तरीके से लखनऊ पुलिस निगाह बनाए हुए और लगातार इसकी जो है